दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ। मैथ में पढ़ेंगे एचसीएफ। एक होता है एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। हम यहां पर पढ़ेंगे एचसीएफ। देखिए एलसीएम जो होता है उसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो एचसीएफ होता है इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां समझ जाइए, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, समझिएगा। हाईएस्ट हम इसलिए लिखे हैं जिससे आपको समझाने में मुझे आसानी होगी। हाईएस्ट का मतलब यहां पर समझ जाइए, हाईएस्ट का मतलब बड़ी संख्या। यहां पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, हाईएस्ट का मतलब बड़ी संख्या, यानी बड़ी जो संख्या होगी वह सभी को डिवाइड कर देगी। अब समझिए कैसे। देखिए मेरा प्रश्न है, यहां पर समझिएगा, एकदम आसानी से आपको समझाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है 12, 24, 48 का एचसीएफ क्या होगा। प्रश्न पूछा है 12, 24, 48 का एचसीएफ क्या होगा, तो इसको आसानी से हम कैसे करेंगे। देखिए इनमें हमें क्या करना है, इन दो संख्या में आपको कॉमन करना है, और वह कॉमन करनी है संख्या जो सबसे कम डिफरेंट हो दोनों के बीच में। अब कैसे समझिएगा, 12 और 24 के बीच में कितने का डिफरेंट है, तो 12 का डिफरेंट है। कितने का डिफरेंट है, 12 का। 24 और 48 के बीच में कितने का डिफरेंट है, तो 24 48 के बीच में डिफरेंट है 24 का। अब हमें यह बताइए इन दोनों संख्या में सबसे कम डिफरेंट किन दो संख्या में है, तो 12 और 24 में। किन में है, 12 और 24 में। तो समझिएगा जो डिफरेंट आया है, यानी इसमें 12 जो डिफरेंट आया है, यह देखिएगा कि क्या यह सभी संख्या को काट दे रही है। यदि सभी संख्या को काट दे रही है तो वही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से आपको बता रहे हैं, 12 और 24 के बीच में जो सबसे कम डिफरेंट आया है, 12 और 24 के बीच में जो सबसे कम डिफरेंट आया है किसका है, तो 12 और 24 में 12 का डिफरेंट है। बिल्कुल आसानी से समझिएगा, 12 का डिफरेंट है। फिर देखिएगा कि क्या यह जो 12 है यह सभी संख्या को काट दे रही है, सभी संख्या को काट देगी तो यही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, ऑप्शन भी आपको चेक करना है कि क्या वह संख्या ऑप्शन में है या नहीं है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो इस संख्या को हम फैक्टर कर और छोटा कर देंगे। अभी समझाने के लिए समझा रहा हूँ, समझिएगा। देखिए कैसे, तो 12 जो है, देखिए 12 एक में 12 कट जा रहा है, 12 दुना का 24 कट जा रहा है, 12 चौका 48 ये भी कट जा रहा है। हम ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या ये ऑप्शन में 12 है, समझिएगा। क्या हम ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो ऑप्शन में 12 है, तो ऑप्शन में 12 है, तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से समझ लिए। अब देखिए मान लीजिए यह ऑप्शन में 12 नहीं है, अब मान लीजिए ऑप्शन में 12 नहीं है, 12 खत्म कर दिया और यहां पर ऑप्शन में दे दिया है 8। अब बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा, 12, 24, 48 का एचसीएफ क्या होगा, अब आपको डाउट हो जाएगा। लेकिन आपको दोनों ध्यान देना है, एक तो दोनों संख्या के बीच में जो डिफरेंट होगा सबसे कम दो संख्या लीजिएगा जिनमें दोनों में कम डिफरेंट हो, तो हम डिफरेंट वही लिए हैं, तो डिफरेंट लिए हैं तो 12 आया है, लेकिन 12 ऑप्शन में नहीं है। अब क्या है, 12 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। देखिए 12 जो डिफरेंट आया है तो 12 को हम फैक्टर करेंगे, तो 12 को फैक्टर करेंगे तो किस में करेंगे, 6 दुना का 12। अब इन दोनों संख्या में देखिए, इन दोनों संख्या में देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या है 6। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 6 है, तो देखिएगा जो 6 है क्या यह सभी संख्या को काट दे रही है, जो 6 है यह सभी संख्या को काट दे रही है। यदि काट दे रही है तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 6 जो है, 6 दुना का 12 कट जाएगा, 6 चौका 24 कट जा रहा है, 6 48 कट जा रहा है, तो यही मेरा एचसीएफ हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाता है। देखिए ऑप्शन में 12 नहीं दिया रहता तो हम इसका 12 का फैक्टर कर लेंगे। अब 8 चेक करते हैं। देखिए बताएं हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ी, तो 8 जो है यह 12 को नहीं काट पाएगी। देखिए 8 तो 24 को काट देगी और 48 को भी काट देगी, लेकिन 12 को नहीं काटेगी, इसलिए यह नहीं होगा। तो हम आपको बताएं जो संख्या डिफरेंट कीजिएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको ऑप्शन भी ध्यान देना है। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 24, 48, 72, 96 का एचसीएफ क्या होगा। 24, 48, 72, 96 का एचसीएफ क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें भी हम दो संख्या लेंगे जिनमें सबसे कम डिफरेंट हो, तो सबसे कम डिफरेंट किस में है, तो 24 और 48 के बीच में 24 का डिफरेंट है, और इसमें कितने का डिफरेंट है, 48 और 72 में, तो 24 का डिफरेंट है, यानी दोनों समान है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई संख्या एक ले सकते हैं। तो
तो हम 24 ले रहे हैं, समझिएगा 24 ले रहे हैं। तो देखिएगा 24 जो है यह सभी संख्या को काट दे रही है, यदि सभी संख्या को काट देगी तो यही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। तो कटा दीजिए, 24 एक में 24 कट जाएगा, 24 दुना 48 ये भी कट जाएगा, 24 दिया 72, 24 चौका 96 यानी कट जा रहा है। तो 24 मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, 24 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में तो 24 है नहीं, ऑप्शन में है 24 तो नहीं है, इसलिए यह क्या है अभी गलत है। देखिए एचसीएफ तो 24 आया सही है लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे 24 का फैक्टर करेंगे, 24 का फैक्टर करेंगे तो 24 का फैक्टर करेंगे तो लिख सकते हैं 12 दुना का 24। अब हमें ये देखना है कि 12 और 2 जो है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 12 है, सबसे बड़ी संख्या कौन है 12 है। तो फिर चेक करेंगे कि क्या यह जो 12 है यह सभी संख्या को काट दे रही है, सभी संख्या को काट देगी तो यही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए 12 दुना का 24, 12 चौका 48, 12 के 72 और इसके और इसको कटा देंगे 96 को, तो 12 बटे 96 यानी जो 12 है यह सभी संख्या को काट दे रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर 24 नहीं दिया तो 12 दिया है, 24 को हम फैक्टर कर लिए तो आ गया मेरा 12, 12 सबसे बड़ी संख्या है और सभी संख्या को काट दे भी रही है तो यही मेरा एचसीएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12। और आपका मन में यह डाउट होगा कि 24 को फैक्टर कर सकते हैं, 8 3 का 24 भी कर सकते हैं, समझिएगा 8 3 का 24 भी कर सकते हैं और 6 4 का 24 भी कर सकते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंट है। सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे बड़ी संख्या से डिफरेंट कीजिएगा, जब भी ऐसा सवाल आए तो सबसे बड़ी संख्या से डिफरेंट कीजिएगा। एक मेथड और बताने जा रहा हूँ, यदि यह मेथड अपना ले रहे हैं तो बिल्कुल ही आसानी से पेपर में आएगा, तो आप ऑप्शन से ही हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, प्रश्न था 24 48 72 96 का एचसीएफ क्या होगा, प्रश्न यही था, ऑप्शन क्या है 2 4 6 12 यह क्या था ऑप्शन था। देखिए जब भी ऐसा सवाल आए एग्जाम में तो आप ऑप्शन से ही चेक कीजिएगा, और ऑप्शन से चेक करते समय ध्यान दीजिए ऑप्शन में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उससे ही कटाइएगा। अगर ऑप्शन में जो सबसे बड़ी संख्या है और यह जो एचसीएफ है यह पूरी संख्या कट जा रही है तो यही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए ऑप्शन में दिया है 2 4 6 12, तो 12 से सबसे पहले कटाएंगे 24 को, 12 दुना का 24, 12 चौक 48, 12 6 72 और 12 बटे 96 यानी जो 12 है यह सभी संख्या को काट दे रही है तो 12 मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बताया हूँ आपको, यहाँ पर देख लीजिए, लेकिन जो 6 को चेक कर रहे हैं तो देखिए 6 भी काट देगी सभी संख्या को, 6 चौक 24, 6 48 और इसको कटाएंगे 72 को तो 12 बार में कट जाएगा 6 से, और इसको कटाएंगे 96 को तो 16 बार में कट जाएगा। लेकिन क्या है 12 और 6 में क्या है, तो 12 जो है सबसे बड़ी संख्या है और हम पढ़ रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब आपको यहीं पर बता दें बड़ी संख्या, समझिएगा आपको इतना समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर पेपर में आएगा तो आप एक दो बार प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, ठीक है ऑप्शन से नहीं हो रहा है तो आप डिफरेंट से तुरंत हल कर सकते हैं। और एक मेथड होता है भाग विधि, भाग विधि से क्या होता है कि बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग भी होगा और आपका समय भी वेस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।